राजसमंद शहर की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजसमंद शहर के अस्पताल से एक नवजात शिशु चोरी हो गया। जी हां, राजसमंद शहर के अस्पताल में दो दिन पहले यानी सोमवार को प्रसव हुआ था उस महिला का, और उसके बाद जो नवजात बच्चा था वह अस्पताल से चोरी हो गया है। इस घटना की पीड़ितों ने सूचना दी, उसके बाद कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें एक नकाबपोश महिला दिख रही हैं। वह पहले गैलरी में रुकती हैं, उसके बाद वह बच्चा लेकर बाहर निकलती हैं। उसके फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस तहकीकात में जुटी है। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप सा मच गया है। इस घटना को लेकर परिजन चिंतित हैं, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। महिला का प्रसव हुआ था। ये जो घटना है राजसमंद शहर के कमला नेहरू हॉस्पिटल की है, जहाँ पर सोमवार को महिला का प्रसव हुआ था। उसके बाद जो बच्चा था, नवजात बच्चा, उसके पास सो रहा था, और उसके बाद एक नकाबपोश महिला आती है अस्पताल में और उसने उस बच्चे को चुरा लिया। बताया जा रहा है कि टीके के बहाने उस बच्चे को उसने उठाया और उसके बाद वह लेकर चलती बनी। इस घटना के बाद काफ़ी देर तक जब बच्चा नहीं आया तो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को बताया और इधर उधर पूछताछ की तो बच्चा का कोई पता नहीं चल पाया। और उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने भी वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें वह फुटेज में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि महिला जो नकाबपोश आई हैं वह उस बच्चे को चुरा कर ले गई हैं। इस घटना की सूचना के बाद कांकरोली थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा और मैं जाब्दे की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं और उसी के आधार पर पुलिस द्वारा गहन तहकीकात की जा रही है। इस घटना को लेकर कमला नेहरू हॉस्पिटल के डॉक्टर भूपेश परतानी ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। सुनिए डॉक्टर भूपेश परतानी की यह पूरी बात। सोमवार के दिन रोज भाई आईडी ऊपर करो तो नहीं नहीं 5 बजे लड़का पैदा हुआ था। उसी दिन में नसबंदी का ऑपरेशन करवाया। उसके पश्चात कल नीचे उसे वार्ड में लेबर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया था और आज उसे बुधवार के दिन 48 घंटे पश्चात छुट्टी होने वाली थी। छुट्टी होने से पूर्व कोई महिला उसे आकर ये कहती है कि इस बच्चे का वजन करवाना है और हम ले जा रहे हैं, मैं लेके जा रही हूँ, वापस लेके आती हूँ। वो साथ में आने से भी उसके अटेंडेंट को मना किया और मरीज के परिजन उन्होंने बच्चा उसे दे दिया। तत्पश्चात अगले 15 मिनट तक जब बच्चा नहीं आया तो उस औरत ने हमारे नर्सिंग स्टाफ को कहा कि मेरा बच्चा लेके कोई औरत गई है और वो दिख नहीं रही है अस्पताल के अंदर। ये घटना आज सवेरे 9 से 10:30 के बीच हुई है। उसी महिला के परिजन बता रहे हैं कि ये महिला कल भी अस्पताल में आई थी और काफ़ी देर तक अस्पताल के अंदर इधर उधर डोलती हुई पाई गई थी। ये संदिग्ध महिला इसकी जानकारी किसी ने किसी को नहीं दी, ये आज बताया जा रहा है। इस घटना को देखते हुए अत्यंत आवश्यक लगता है कि 24 घंटे अस्पताल के लिए गार्ड होना चाहिए। पहले भी कई आरोप कोई भी आ जाता है उस तरीके की बदमाशी कर जाता है, इसके लिए गार्ड होना अत्यंत आवश्यक और वो लगाया जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर अस्पताल में परिजनों के साथ ही अन्य लोगों में भी हड़कंप मच गया है कि किस तरह से ये बच्चा चोरी हुआ है। एक अस्पताल से महिला नकाबपोश पहने आती हैं, उसके बाद बच्चा चुरा कर फरार हो जाती हैं। इस घटना को लेकर शहर के लोगों में भी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अस्पताल में भी परिजन भी हैरान और चकित हैं। अस्पताल प्रशासन में यह राजसमंद शहर के कमला नेहरू हॉस्पिटल की शायद पहली घटना है और इस घटना को लेकर हर कोई हैरान है, परेशान है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उस महिला को पकड़ लिया जाएगा और नवजात शिशु को भी बरामद कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बच्चा चोरी की घटना ये कोई मेवाड़ में नई नहीं है, पहली नहीं है। इससे पहले उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय से भी एक नवजात बच्चा चोरी हो चुका है। इसकी घटना एक महिला ही उसी बच्चे को चुराती है। यह घटना भी काफ़ी सनसनी फैलाती है, परिजन काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हालांकि वह नवजात बच्ची नहीं होती हैं, वह बड़ी बच्ची होती हैं और उस बच्ची को एक महिला चुरा कर ले जाती हैं। बाद में पुलिस तहकीकात करती है और न सिर्फ उस बच्ची को बरामद करती है बल्कि उस बच्ची को चुराने वाली महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वह महिला जेल में है। देखिए आने वाले वक्त में पुलिस की जांच सीसीटीवी फुटेज से शुरू हुई है, आगे कहां तक बढ़ती है, इस बच्चे को लेकर क्या कुछ अहम सुराग मिलते हैं वह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।